भोपाल की शासकीय माध्यमिक शाला साजानाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते आज एक बड़ा हादसा होने से टला। कक्षा चौथी पांचवी की क्लास के समय ही अचानक क्लास की छत गिरने से लगभग 2 से 3 बच्चे एवं टीचर घायल हुए। घटना के समय क्लास में लगभग 17 बच्चे मौजूद थे। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा था। यहां मौजूद टीचर द्वारा बताया गया कि बरसात के समय भी छत से पानी टपकने की कई बार शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को की गई है, पर उसके बाद भी न ही छत की मरम्मत कराई गई और न ही अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। इस मौके पर घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत शाहजहानाबाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घायल बच्चों को डायल 100 से ही उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया। मौजूद शिक्षा अधिकारी ने भी मामले को संज्ञान में लिया, साथ ही जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की बात कही। वही विधानसभा विधायक आतिफ अकील भी घटना स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। बड़ी लापरवाही को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहजहानाबाद के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, जहाँ पर कंक्रीट की छत गिरने की वजह से 2 बच्चे घायल हो गए हैं और 1 टीचर को भी चोट लगी है। हमारे साथ वो टीचर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या दिक्कत हुई थी। जी, हम क्लास ले रहे थे, मैं और एक और टीचर थी फौजिया मैडम यहाँ पे मौजूद। 17 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, वो पढ़ रहे थे और एकदम छत जो है भरभरा कर गिरी और 2 बच्चों के चोट आई है, एक के बैक में आई है, एक के पैर में काफ़ी चोट आई है, उसको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं और मेरे भी पैर में चोट आई है 2 जगह। क्या पहले कभी स्कूल की हुई है मरम्मत? बैक पोर्शन की हुई थी, अभी ये सामने की नहीं हुई है। पिछले साल लास्ट ईयर करवाया था, मैडम ने कंप्लेंट करी थी तो पिछला पोर्शन हुआ था, ये हमारे इस रूम का नहीं हुआ था सामने का। पहले से संभावना थी कि गिर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन हर बारिश में, हमें 23 साल हो गए इस स्कूल में आए हुए और हर बारिश में कमरे में पानी भरता है, छत से पानी गिरता है। धन्यवाद। तो मैम ने हमें बताया कि पहले से ही संभावनाएं दिख रही थी, पीछे वाले स्कूल की मरम्मत की गई पर इस पोर्शन की मरम्मत नहीं की गई। अगर ये किसी के सर पे लग जाता, किसी बच्चे के, तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और देखते हैं अब वो आगे इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन साहिल खान के साथ मैं अमृता शर्मा, देखते रहिए फास्ट समाचार। कुछ बच्चे घायल हुए हैं, मैंने देखा अभी यहाँ पर, यहाँ की प्लास्टरिंग झड़ गई कुछ, उससे कुछ बच्चों को थोड़ी सी चोट आई है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर विजिट करा, यहाँ पर DO साहब भी थे, इनके शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी थे, उन सबको मैंने विजिट करा, दिखाया। यहाँ पर लाइटों तक का इंतजाम नहीं है, पंखों तक का इंतजाम नहीं है, वॉशरूम्स का इंतजाम नहीं है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। तो जो टीम बनाई गई है, यहाँ की जो टीम है वो एक अलग है, जो टीम बनाई है जहाँ विजिट करती है, जो इंस्पेक्शंस करती है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, एक बड़ी घटना आज थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में, एक स्कूल की छत गिर गई है, क्या मामला रहा, कब सूचना प्राप्त हुई? मुझे तो आप सभी लोगों के, कुछ लोगों के, पत्रकार बंधुओं के फोन आए थे, बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई है और उन्होंने पूछा था मुझसे, हमने बताया कि मेरे पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और 100 नंबर पे भी कंफर्म किया था और 100 नंबर का जो नंबर है मेरे मोबाइल से भी कनेक्ट है, अगर कोई घटना होती तो मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आता है और 100 नंबर पे भी आता है, ये हो सकता है आगे पीछे आए, 2 मिनट 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी रामनगर में शासकीय स्कूल की कोई छत का छज्जा गिर गया है, बट मैं मौके पर जब पहुँचा यहाँ तो यहाँ देखा तो छज्जा नहीं गिरा था, जो छत का प्लास्टर रहता था वो गिर गया था। और जब मेरी टीचर से बात हुई तो उनका कहना था कि 17 लोग बच्चे पढ़ रहे थे उसमें और सभी, कोई बच्चों को ऐसी विशेष चोट नहीं आई है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। एक बच्चे की पैर में जरूर चोट आई थी, वो लंगड़ा के चल रही थी, तो उसको मैंने 100 नंबर से अस्पताल भिजवा दिया। टीचर के घायल होने की भी, टीचर भी बता रही थी कि हाँ हमारे भी थोड़ी चोट आई है, बट ऐसी कोई खास बात नहीं। सर, बच्चों के परिवार की तरफ से अभी तक कोई थाने में शिकायत की इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई? नहीं, नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं। थैंक यू।